नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं ए टीवी का खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। दिल्ली के दंगल में बात करेंगे हम दिल्ली के चुनाव नतीजों को लेकर। दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर एक बार फिर आप पार्टी को समर्थन दिया है और जिस तरह के रुझान आए हैं उसमें आम पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 70 में से 57 सीटों पर फिलहाल आप पार्टी को बढ़त है, 13 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी यहां पर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं चैनल के हेड हमारे अनिल लोढ़ा जी, आपका स्वागत है। दीपेंद्र सिंह जी हैं आप पार्टी के प्रवक्ता, दीपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, ओवरऑल इस चुनाव के जो रुझान आए हैं उनको देखकर क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? नीरज जी, स्पष्ट है कि देश की जनता की, मतदाता की बौद्धिक परिपक्वता का प्रतीक है। लोकसभा का नतीजा होता है, चुनाव होता है, तो वो नरेंद्र मोदी देश किसके हाथ में सौंपे इस सवाल पर मोदी के सामने कोई नजर नहीं आता तो पूरा देश मोदी के पीछे आता है। इसी दिल्ली ने सारी सीटें दी थी कांग्रेस को, क्षमा करें बीजेपी को पिछले चुनाव में, और इसी दिल्ली ने केजरीवाल को फिर थमा दिया। तो जनता ये देखने लगी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ देश हमारा हीरो वर्शिप का देश है, देश को एक हीरो चाहिए हमेशा जिसके पीछे जनता हो जाए, वो राम हो, कृष्ण हो, गांधी हो, कोई भी हो। तो दिल्ली के लिहाज से अगर केंद्र की सरकार चुननी है तो देश नरेंद्र मोदी के साथ हो जाता है, क्योंकि मोदी के विकल्प में नजर नहीं आता। और स्टेट चुननी होती है तो कभी गहलोत के साथ हो जाता देश, राजस्थान प्रदेश, कभी दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो जाता प्रदेश। तो वो हीरो वर्शिप वाली बात जो मैं कहता हूँ हमेशा से, तो वहां पर केजरीवाल के सामने कौन? नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में हर सीट पर जाकर कभी भी कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। कहा था जो वोट दोगे कमल को वो मोदी को जाएगा, और उन्होंने तो ये भी एक तरह से इशारा किया लोगों को जो वोट मोदी को जाएगा तो गोली इमरान को लगेगी। तो वो लोगों ने इमरान को गोली मारने के लिए, मोदी को वोट देने के लिए कैंडिडेट नहीं देखा कि इसने काम किया नहीं किया, क्या चरित्र, क्या आचरण, कुछ नहीं। ये दिल्ली के इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में वोट केजरीवाल को जाएगा, तो ये एक हीरो वर्शिप है मेरी नज़र में जनता की। अब वो हीरो वर्शिप क्यों है? किसी की देश के लिहाज से हीरो वर्शिप होती है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, ये पाकिस्तान को मात देगा, तो किसी के मामले में ये हीरो वर्शिप होती है कि ये काम करके दिखाएगा, इसने हमारा भला किया है। तो वही जनता एक वक्त पे वोट देती है बीजेपी के साथ होकर के जब देश का मुद्दा होता है, वही जनता जब प्रदेश का मुद्दा होता है तो बिजली पर, पानी पर, वाईफाई पर, फ्री महिलाओं की फ्री यात्रा पर, 100 चीजों पर गिन के वोट देती है। तो इसलिए एक बार नाम पर वोट पड़ रहे हैं, दूसरी बार काम पर वोट पड़ रहे हैं, उसी जगह एक ही क्षेत्र है दिल्ली। एक बार हिंदुत्व और देश की रक्षा और पाकिस्तान को मट्टी पलित करने के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, एक बार इस पे वोट पड़ रहे हैं कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक, हमारे सरकारी स्कूल, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारा बिजली का बिल, हमारी पानी की व्यवस्था, हमारा पर्यावरण। तो ये परिपक्वता का प्रतीक है ये नतीजा। तीसरी बार लगातार चुनाव जीतना, शीला दीक्षित भी 3 बार लगातार जीती थी, उन्होंने काम किया, दिल्ली का नक्शा बदल दिया उन्होंने, दिल्ली की सूरत बदल दी थी उन्होंने, लेकिन जब उनके हाथ कांपने लगे तो जनता ने उनके हाथ से दिल्ली ले ली, कांपते हाथों को दिल्ली नहीं सौंपी, इसलिए कि साहब कोई सम्मोहन में आ जाए शीला दीक्षित की। ये भी हाथ मजबूत दिख रहे थे इसलिए तीसरी बार सत्ता सौंप दी। बिल्कुल, पहली बार मेरा मानना यह है कि यह नतीजा भारत के मतदाता की राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक है। पहला सेंटेंस में कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं नहीं, भारत के राजनीति जो जनता है उसकी परिपक्वता की निशानी है कि एक बार नाम के आधार पर वोट, दूसरी बार काम के आधार पर वोट, असेंबली में किस तरह से पूरी जनता ने पलटी खाई और किस तरह से आपका साथ दिया। वही लोकसभा चुनाव थे जहां पर आपको एक भी सीट नहीं मिली, पूरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। दीपेंद्र जी आपको बहुत बधाई हो, आपकी पार्टी एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, केजरीवाल जी फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं उनको लेकर? देखिए नीरज जी,
इन दिल्ली चुनाव के नतीजों में पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई थी, क्योंकि आपने देखा होगा ये पहला हिंदुस्तान का चुनाव लड़ा जा रहा है जो काम के नाम पर लड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में, चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है कि कोई पार्टी आई वो अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है, ना कि नाम पर। जो सर ने अभी अनिल जी ने कहा कि दूसरी पार्टियां अपने नाम के नाम पर वोट मांग रही हैं, आप इनको एक बार मौका दे के देखिए। अरविंद केजरीवाल अपनी रैली में जाते थे, छोटी छोटी सभाएं भी करते थे, उनका पहला स्टेटमेंट यही होता था, क्या आपके एरिया में कोई काम हुआ है? तो जनता खुद हाथ खड़े करके कहती थी हाँ बिल्कुल काम हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया अगर आपके एरिया में किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है तो आप हमें वोट मत कीजिएगा। तो एक नया अध्याय लिखने जा रही है आम आदमी पार्टी, तो उसी का नतीजा है, लोगों ने इसको स्वीकार किया है। दूसरी ओर आप देखेंगे विपक्षी पार्टियों की सारी कैंपेनिंग नकारात्मकता पर आधारित थी, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी तक कह रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के उन्हें नीच की संज्ञा दे रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरह की आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा से आप कर रहे हैं, किस तरह की की बात की, बेहतर शिक्षा करने की बात की, बेहतर स्वास्थ्य की बात की, या फिर रोजगार की बात की, जैसे सर ने बताया फ्री वाईफाई की बात की। तो इनकी तरफ से एक ही स्टेटमेंट आता था, मनीष सिसोदिया से कहते थे हम बेहतर शिक्षा करेंगे तो ये कहते थे हम शाहीन बाग करेंगे। सत्येंद्र जैन जी कहते थे आपको लगता काम को वोट मिला है, दिल्ली की जनता ने काम को वोट दिया है और जो नाम के आधार पर वोट मांग रहे थे, जो नकारात्मकता के आधार पर वोट मांग रहे थे उनको नकार दिया है। नीरज जी, नाम के आधार पर भी और पोलराइजेशन, जो आप भाजपा की यूएसपी आप कहेंगे, जो इनका स्टैंड है, ये हमसे चुनाव जो लड़ते हैं हमेशा, ये जातिवाद के आधार पर लड़ते हैं, लोगों को बांटने के आधार पर लड़ते हैं, ये पोलराइजेशन के आधार पर करते हैं। दिल्ली में भी इन्होंने यही करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको करारा तमाचा दिया है। इसमें उन्होंने काम के आधार पर, उन्होंने चुना है कि जो व्यक्ति काम करेगा, अब यही है इनको, इन्होंने 300 से ज्यादा अपने एमपी लगा रखे थे, केंद्रीय मंत्री लगा रखे थे, मुख्यमंत्रियों तक की फौज लगा रखी थी दिल्ली चुनाव में, किसे हराने के लिए? एकमात्र केजरीवाल को। ये केजरीवाल को नहीं हराना चाहते थे, इनको असली डर था केजरीवाल की अच्छी नीयत और उसकी नीतियों से, क्योंकि अब लोग सवाल करेंगे कि जब दिल्ली में अच्छे काम हो सकते हैं उसके आधार पर सत्ता लाई जा सकती है तो आप राजस्थान में क्यों नहीं काम कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये बड़े बड़े सवाल कर रहे थे गुजरात के। बिल्कुल देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं जनता ने काम के आधार पर वोट दिया है। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे वहां उछाले गए, जिस तरह की बातें वहां उछाली गई, ध्रुवीकरण भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता ने तमाम तरीके से सब बातों को नकार दिया और कांग्रेस पार्टी तो वहां खाता भी खोल नहीं सकी। यदि कांग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत वोट प्रतिशत बढ़ जाता कांग्रेस पार्टी का तो शायद आपके लिए भी खतरा खड़ा हो सकता था। अनिल जी देखो क्या है कि हर चुनाव में केंद्र बिंदु होता है, अगर चुनाव बीजेपी वर्सेज हो रहा है तो बीजेपी वर्सेज वोट बटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, और बीजेपी वर्सेज नहीं हो रहा, केजरीवाल वर्सेज हो रहा था चुनाव तो केजरीवाल के खिलाफ वोट बढ़ते उसका फायदा केजरीवाल को होता। चूंकि चुनाव बीजेपी वर्सेज आप हुआ तो वोट बटने का जो चांस था, बीजेपी वर्सेज वाले जो वोट थे वो बटे नहीं। कांग्रेस ने भी ऐसी कोई दिल्लगी नहीं दिखाई कि हम कशिश हो के राव हम जीत के बताएंगे हम ये करेंगे करेंगे। कांग्रेस शायद नतीजा पहले से जानती थी या ऐसा नतीजा निकालने में सहायक बनना चाहती थी, जो भी बीजेपी का आरोप है कांग्रेस सहायक बनना चाहती थी, बीजेपी को रोकना चाहती थी। अगर कांग्रेस 10 सीटों पर भी नंबर 2 होती तो शायद नतीजा बदलता, पर चूंकि कांग्रेस तो 1 या 2 सीट पर नंबर 2 है और वो भी कभी 1 नंबर होती कभी 2 नंबर होती, 0 पर ही जा रही है ज़्यादातर, तो उस 0 में भी उनकी खुशी इसलिए कि उन्होंने मोदी की खिलाफत कर ली और मोदी को रोक दिया, मोदी का बढ़ता भारत रोक दिया। मोदी जो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो भाजपा मुक्त भारत की बात कर सकते हैं। झारखंड चला गया हाथ से, महाराष्ट्र चला गया हाथ से, राजस्थान छत्तीसगढ़ चले गए, मध्यप्रदेश चले गए हाथ से, इसका उदाहरण देते थे। अब वो सिमट गई है उत्तर प्रदेश गुजरात और कर्नाटक तक या आसाम तक, तो ये इन बातों को इसके दूरगामी परिणाम होंगे। दरअसल ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली का नतीजा नहीं है, और मैं ये नहीं मानता भले आपके लोग कितने भी आशान्वित हो जाएं, आप दिल्ली से बाहर कोई करिश्मा करके नहीं दिखा सकती। मैं स्पष्ट जानता हूं इस बात को, क्योंकि दिल्ली के बाहर यूपी के मुद्दे अलग है, गाजियाबाद में नहीं जी सकते आप जाके, साहिबाबाद में नहीं जी सकते आप जाके, आप गुड़गांव में नहीं जी सकते, आप अलवर आके नहीं जी सकते, चाहे वो NCR में आते हो तो भी नहीं जी सकते, क्योंकि जैसे दिल्ली से बाहर निकलते हो मतदाता का टेस्ट, मतदाता की सोच, उसकी करेक्टरिस्टिक सब चेंज हो जाती है।
ये दिल्ली ही है जिसका दिल इतना बड़ा है, दिल्ली है जिसका दिमाग इतना खुला हुआ है, और ये दिल्ली है जो एनालिसिस करती है हर चीज का, और एनालिसिस करके वहां पर आप बिहार के मुख्यमंत्री जाके सारे बिहारियों के वोट बीजेपी को नहीं दिला सकता दिल्ली में, दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री जाके सारे हरियाणवी लोगों के वोट नहीं दिला सकता बीजेपी को, इसलिए सारे मुख्यमंत्री झोंक दिया आपने सब कर दिया लेकिन नहीं निकला वो नतीजा। दिल्ली के लोग अलग तरीके से सोचते हैं, वो पूर्ण राज्य नहीं है, एक तरह की विकलांग स्टेट है वो, उसमें पुलिस केंद्र सरकार के पास है, इसलिए भी दिल्ली के लोगों का नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। वो जानते हैं कि पुलिस विहीन राज्य सरकार की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या मर्यादाएं हैं, और किस तरह वो राज्य सरकार सताई गई, किस तरह वो राज्य सरकार अपने आप को डिफेंड करती रही और बड़ी मुश्किल से उसने काम करके दिखाया। और पिछले 3 महीने में जामिया मिलिया, JNU, शाहीनबाग, जिस तरह के एक के बाद एक सब कुछ हुए, मैं नहीं कहता किसने किए, ये टीवी स्क्रीन पर नहीं बोला जा सकता, लेकिन जिसने भी किए उसके नतीजे परिणाम से रिएक्शन में हिंदू वोट पोलराइज हुआ और इसका लाभ बीजेपी को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन शाहीनबाग का लाभ भी बीजेपी को मिला, शाहीनबाग के इर्द गिर्द की 5 सीटें 6 सीटें हैं, उनमें एक को छोड़ के सब में बीजेपी जीती है। तो मेरा तो मानना, भले शाहीनबाग किसी ने किया हो, कांग्रेस ने किया, चाहे बिरयानी खिलाई होगी आपने, भले से ये कहते हैं बिरयानी खिला रहे आप वाले या प्रचार कर रहे हैं जो भी है, इसका शाहीनबाग का फायदा भी बीजेपी को मिला, ऐसा मेरा मानना है। तो सही कहा आपने, कहेंगे शाहीनबाग का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की वहां के दिल्ली में ध्रुवीकरण करने की, और इसके क्योंकि एक राजनीतिक दल को सत्ता हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें करना भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने की। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में विफल रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो कहीं सफल नहीं हो पाई। इंद्र जी, अभी सर ने कहा क्या आप पार्टी दिल्ली के बाहर भी पार्टी का विस्तार करेगी, हालांकि पार्टी आप पार्टी ने कोशिश की, राजस्थान में भी चुनाव लड़ाए, हरियाणा में भी गई, पंजाब में भी गई, तो कोशिश तो की लेकिन सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिल पाई पंजाब को छोड़कर। क्या लगता है इन चुनावों के बाद एक तरह से कहीं ना कहीं मजबूती आएगी पार्टी में और पार्टी के जो आने वाले दिन है, आने वाले समय में और राज्यों में भी पार्टी विस्तार करेगी, मजबूत होगी? नहीं, बिल्कुल नीरज जी, जैसे अनिल जी ने कहा कि पार्टी विस्तार करेगी या नहीं आगे, लेकिन आपने देखा होगा पंजाब में भी मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ही है और गोवा में भी आम आदमी पार्टी को 6% से अधिक वोट शेयर मिला हुआ है। उसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ, अभी पार्टी ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें 20 लाख नए वॉलेंटियर या फिर कार्यकर्ता जोड़ने की उन्होंने अपील की है और एक नंबर लॉन्च किया है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, एक क्रांतिकारी राजनीतिक क्रांति का आगाज किया है अरविंद केजरीवाल ने, काम के नाम पे अगर राजनीति की जाए तो बहुत हिंदुस्तान में सुधार किया जा सकता है। तो उसके लिए एक नंबर है 9871010101, इस पर अगर आप मिस कॉल देंगे तो आप सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ सकते हैं और इसी के तहत आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में पैर पसारेगी और लोगों को बताएगी कि हमें राजनीति को बदलना है, काम के नाम पर हमें अब राजनीति करनी है, ना कि नाम के नाम पर राजनीति जो की जा रही है हिंदुस्तान में, उसको बदलने का अब समय आ गया है। कहीं ना कहीं आप पार्टी को उम्मीद है कि वो अब काम के आधार पर जो है राजनीति करना चाहती है, देश की तमाम स्टेट में जनता को बताना चाहती है कि जब दिल्ली की जनता यदि इस बात को मान सकती है, इस बात को अपना सकती है, तो अन्य स्टेट क्यों नहीं, क्योंकि अन्य प्रदेशों में सरकारें कई सालों से एक ही पार्टी की सरकार रहती है लेकिन वहाँ विकास के नाम पर अभी भी जो है लोगों को पछताना पड़ता है, कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर शिक्षा नहीं है, तमाम बातों की शिकायतें बार बार होती रहती है। तो हो सकता है आम पार्टी आने वाले समय में मजबूती से पैर पसारे आने वाले समय में, लेकिन कहीं लगता है इनको रणनीति बदलनी पड़ेगी थोड़ी आप पार्टी को। देखो, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर भी है, देश की राजधानी है और देश के हर हिस्से से आए हुए लोग वहाँ हैं, तो वहाँ पर कोई एक जाति का, एक समुदाय का ऐसा वर्चस्व नहीं है कि वो तय कर ले उसको जिता दे। मैं ये कहना चाहता हूँ विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू केजरीवाल जी, केजरीवाल जी की जो भी सोच है और जो भी काम करने का तरीका है और जो भी फिलॉसफी ऑफ वर्क है वो अभी दिल्ली को लेकर ही है, देश को लेकर नहीं है। और ये देश, हमेशा मैं कहता हूँ जिस बात को, कि बहुत सारे देशों का एक देश है, विभिन्न राष्ट्रीयता वाला राष्ट्र है और हर राष्ट्रीयता जो हमने एक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि एक भूभाग, एक भाषा, एक संस्कृति, एक पॉलिटिकल सोच, तो तमिलनाडु की पॉलिटिकल सोच जो है वो तमिल, ये तमिल या वो तमिल, उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है ना। ऐसे ही तेलुगु, ऐसे ही असमी,
तो मराठा जैसे अब नई खड़ी हो गई फोर्स एक, तो ये जो राज्य हैं देश भर के, वो हर राज्य अपने आप में एक राष्ट्र की तरह सोच लेता है, तो वो उस तरह बिहेव करता है, उसमें एक धार्मिक कट्टरता तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन एक कट्टरता है अपनी भाषा अपनी कल्चर को लेके। और उस कट्टरता जैसे बंगाल है, अब बंगाल सीपीएम ने इतने समय राज कर लिया लेकिन अब वो बांग्ला मानुष का वर्चस्व, तो वो बंगला स्वाभिमान को बुना रही है ममता बनर्जी। तो ऐसे पंजाब में अकाली और अकाली वर्सेज कांग्रेस, तो ये जो देश की स्थिति है ये 70 साल की डेमोक्रेसी के बाद भी अभी बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। दिल्ली तो बदल गई पर देश नहीं बदला अभी। तो अभी राजस्थान में आ जाओ आप, तो जाट जाटों की राजनीति करेंगे, राजपूत राजपूतों की करेंगे, एससी वाले एससी करेंगे, मुसलमान मुसलमान करेंगे, वोटिंग बिहेवियर हमारा ये है। तो जब वोटिंग बिहेवियर ऐसा हो जाता है तो फिर वो आपका काम का नारा पीछे छूट जाता है। तो देश में फैलने के लिए अलग फिलॉसफी ऑफ वर्क, अलग फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स चाहिएगी। वो फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स और फिलॉसफी ऑफ वर्क अगर अडॉप्ट कर लिया आज तो दिल्ली में पिछड़ जाएगी, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो दिल्ली बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, डिफरेंट बातों पर रिएक्ट करती है और पूरा देश डिफरेंट बातों पर रिएक्ट करेगा। तो ये वो 100 मीटर की दौड़ और ये मैराथन, दोनों में बड़ा फर्क है। मैराथन की स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, 100 मीटर की दौड़ तो फर्राटे से सही कहा कहीं आपने, ये 100 मीटर की दौड़ और मैराथन में बड़ा अंतर है। और जिस तरह की बात की, दिल्ली में भांति भांति के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग वहाँ गए हुए हैं, तो इसलिए वहाँ का जो रुझान है वो अलग है, डिफरेंट है, वहाँ की सोच अलग है। लेकिन स्टेट में प्रदेशों में देखा जाए तो तमाम प्रदेशों में अलग तरह की राजनीति चलती है, जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी है, क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा हावी है। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी, अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। मनीष सिसोदिया जी पीछे चल रहे हैं, अभी चिंता का विषय है आप पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के बिल्कुल जो है दाएं हाथ उनको कह सकते हैं आप, वो मुख्यमंत्री हैं और ये बड़ा विषय है अरविंद जी, बड़ा चेहरा है और उनके मतलब वाकई में आप पार्टी के लिए एक झटके के समान है। हालांकि देखिए अभी बहुत सारे राउंड होने बाकी है, 8-10 बार ऐसा हो गया तो आगे हुए फिर पीछे, आगे पीछे हो रहे हैं, यानी कि बराबर वहां कांटे की टक्कर में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा 500,000 वोटों से आगे पीछे हो रहे हैं। अभी टफ फाइट है देखने को मिल रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से उन्होंने शिक्षा में काम किया है तो वो आसानी से अपनी सीट निकाल जाएंगे। मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ कि अभी तक की जो राजनीति यहाँ पे हो रही है वो जातिवाद की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में दूसरे स्टेटों के मुख्यमंत्री को बुलाने का बीजेपी का कारण ही यही था कि वो पोलराइज करना चाहते थे। जैसे बिहार से नीतीश कुमार जी को बुलाया गया और वो बिहारी वोटों से अपील कर रहे थे कि आप भाजपा के पक्ष में वोट कीजिए। हमारे पास वहां के इनपुट आए, वीडियोज भी काफी आई, लोगों ने उनसे ही सवाल करना शुरू कर दिया कि आप बताइए आप बिहार में बिजली किस रेट पे दे रहे हैं। तो क्यों, उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हमें मुफ्त में बिजली मिल रही है, आप उस पर बात कीजिए ना, आप बिहार में किस हिसाब किस रेट पर आप बिजली दे रहे हैं। उसी तरह जब खट्टर जी आए तो उनसे भी वही सवाल किया गया कि आप किसानों किस आधार पर मुआवजा दे रहे हैं। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल 50,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा देते हैं अगर फसल खराब हो जाती है, तो आप हरियाणा में किस आधार पर मुआवजा देते हैं। इसी तरह से जब गुजरात के मुख्यमंत्री आए विजय रूपाणी जी, वो भी अपनी बड़ी बड़ी बातें, जैसे भाजपा जुमलेबाजी में तो एक्सपर्ट है, उनके बड़े बड़े नेता सब जुमलेबाजी में एक्सपर्ट हैं, जातिवाद की राजनीति में एक्सपर्ट हैं, जब उन्होंने भी यही इसी तरह से जनता को झांसे में लाने की कोशिश की तो जनता का स्पष्ट सवाल था कि आप शिक्षा में स्वास्थ्य में क्या कर रहे हैं गुजरात में, आपकी तो पिछले 15-20 साल से वहां पे सरकार है, आपने ऐसा क्या मॉडल खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल का तो पिछले 5 साल में ये मॉडल है, उसके आधार पर वो वोट मांग रहे हैं, उसी के आधार पर हम आगे पूरे हिंदुस्तान में लोगों के पास जाने वाले हैं कि हमारे पास तो ये दिल्ली मॉडल है, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप राजस्थान में भी इसे अपनाइए, हम इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारी तो यही USP है कि हम काम के नाम पर, जो दिल्ली में काम किया उसी के नाम पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, बाकी तो जनता मालिक है। बिल्कुल दीपेंद्र जी, आपने सही कहा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब दिल्ली में तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सरकार के मुखिया गए, पार्टियों के मुखिया गए, तो लोगों ने सीधा सा उनसे सवाल यही किया, यदि उनके स्टेट्स में ही काम होता तो शायद वहां की जनता पलायन कर दिल्ली में मजदूरी करने नहीं पहुंचती, दिल्ली में शायद वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग नहीं बसते और उनको मुंह की खानी पड़ी, जैसा कि आप कह रहे हैं। और वाकई में ये सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हुआ जब दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने जाके उनकी बहुलता वाले कॉलोनीज में प्रचार प्रसार किया तो उनके वहीं के लोगों ने उनसे उल्टे सवाल खड़े किए। दिल्ली के दंगल में जिस तरह के रुझान आए हैं, मनीष सिसोदिया अभी पीछे चल रहे हैं, वहीं जो अलका लांबा है वो चुनाव हार चुकी है,
आप पार्टी छोड़कर उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, पहले कांग्रेस पार्टी में रही है और बहुत ही तेज तर्रार नेता है, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मनीष सिसोदिया पीछे चल रही, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है देवेंद्र जी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि अभी तक जो रुझान चल रहा 556 वोटों से पीछे है, कभी फिर थोड़ी देर बाद में आगे हो जाते हैं। बहुत छोटा अभी मार्जिन है, ये बदलता रहेगा जब तक उम्मीद से दुनिया कायम है, कुछ अभी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। ये तो भाग्य प्रबल होता है तो आदमी आखिरी उस पे ग्राउंड में भी एक वोट से जीत जाता है, जाते हैं काफी देखे। अनिल जी ने एक बात कही थी कि जिस तरह प्रदेश वहां दिल्ली में तमाम प्रदेशों के मुखिया गए, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी, लेकिन बीजेपी ने तमाम 240 सांसदों को वहां लगाया, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लगाया, लेकिन जनता ने साफ तौर पर कहा कि उनके प्रदेशों में क्या हुआ उसका हिसाब किताब मांग लिया, क्या वो ऐसा करने वाले हैं। आपको लगता है जनता बहुत समझदार हो गई है, ऐसा नहीं है कि वो उनके प्रदेश का मुखिया बहुत समझदार तो नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, स्मार्ट हो गई है। बरसों से सुनते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये जीवन की तीन मूलभूत जरूरतें हैं, और चौथी जरूरत अब इंटरनेट हो गया, वो भी एक मूलभूत जरूरत हो गया आजकल नई पीढ़ी की। केजरीवाल ने आदमी के जीवन की इन मूलभूत चीज़ों को और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पांच छह चीज़ों को एड्रेस किया। क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा स्टेट नहीं है और पुलिस वाला काम उनके पास नहीं, उनके पास फुर्सत भी थी। सवाल ये है कि कमिटमेंट होना चाहिए आदमी का कि मैं ये कर दिखाऊंगा, ये कर गुजरूंगा, वो कमिटमेंट उन्होंने शो किया और उस कमिटमेंट की वजह से उन्होंने एक अलग लकीर खींची। बीजेपी पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो ये कहता कि मैं इससे बड़ी लकीर खींच सकता हूँ या खींच के दिखाऊंगा। कांग्रेस के पास तो कुछ था ही नहीं, कांग्रेस तो अंतर विरोधों में से ग्रसित है। और दिल्ली में 84 दंगे के बाद भी जब शीला दीक्षित ने संभाला और कांग्रेस को आगे बढ़ाया तो उनके नेतृत्व का करिश्मा था। मैं तो आपको ऐसी चौंकाने वाली बात बोल सकता हूँ इस वक्त कि अगर आज ही वोटिंग करा लो आप लोकसभा चुनाव के लिए वहां पर दिल्ली में, तो आज बीजेपी जीत के आए। जिस दिन वो 58 सीट आज को आपको दे रहे हैं उसी दिन वोटिंग करा लो आप, तो वोटिंग बिहेवियर बदल जाए। ये इसलिए कि देखो, आपके साथ हमने विधानसभा चुनाव में भी चर्चा की, लोकसभा चुनाव में भी चर्चा की, जिस राजस्थान की जनता ने गहलोत को सत्ता सौंपी या एक सीट से सौंपी, उसी राजस्थान की जनता ने उनके बेटे को भी आ गया 25 की 25 लोकसभा सीटों पर, क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी दिया। क्योंकि देश किसे सौंपे, हर चुनाव में एक यक्ष प्रश्न होता है जनता के सामने। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश अलग किया तो पूरे देश की जनता ने इंदिरा गांधी जिताया कि बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। तो देश की जनता ने 77 में आपातकाल के खिलाफ वोट दिया, पूरे देश की जनता ने वोट दिया, कोई पार्टी नहीं थी, ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं थी, एक रेला आया पूरा बहा के ले गया कांग्रेस सरकार को। जब राजीव गांधी थे तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को किस तरह सहानुभूति का वोट मिला, राजीव गांधी ने किस तरह काम करके दिखाया, और उनके काम के बाद जो पूरे देश एकदम एक आवाज में जब बोलता है तो एक यक्ष प्रश्न देश के सामने होता है जिसका वो जवाब देना चाहता है अपने वोट के जरिए। उस वोट के जरिए जवाब देने में उसको लगता है कि ये यक्ष प्रश्न सॉल्व हो जाए मेरे इस वोट से, इस कोशिश में रहता है। इसलिए मैं तो आपको आज ये कहना उचित नहीं है, लेकिन मैंने 2 साल पहले प्रदेश के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता को कह दिया था कि अगला चुनाव भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे होगा लोकसभा का, और वो हुआ, ठीक है ना। और मैं आज आपके सामने फिर कह रहा हूँ, अगला चुनाव लोकसभा का जब भी होगा, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वो हिंदुत्व राष्ट्र के मुद्दे पर होगा। बीजेपी उधर ले जाएगी देश को, और कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर होगा, कॉमन सिविल कोड ला चुके होंगे भले, ठीक है ना। तो ये जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं उस दिशा में कि दुनिया में कोई राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, इतने राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हैं, इतने राष्ट्र क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, एक देश दुनिया में हिंदू देश हो बस, इस पर आ जाएंगे। तो वो हिंदू वोट को पोलराइज करने की बात होगी। होता क्या है कि जब आप कोई कंकड़ फेंकते हो पानी में तो लहरें उठती है, अब उन लहरों को कौन गिन लेता है इसकी बात है। आपने CAA का कंकड़ फेंका, अब मैं कह रहा हूं कि जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष है वो जैसे ही मुस्लिम रिएक्ट करते हैं और उनके पक्ष में बोलती है, उनको आप मुस्लिम परस्त घोषित कर देते हो कि वो पार्टियां धर्मनिरपेक्ष नहीं है, मुस्लिम परस्त है। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले पक्ष में बोलना ही मुस्लिम परस्त हो जाता है, उनके पक्ष में बोलना देशद्रोह हो जाता है, राष्ट्र विरोधी हो जाता है, और उसके बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हो आप, सब कुछ हो जाते हो आप। तो ये जो कैटोलिक एजेंट है ना, वो
बीजेपी की एक्सपर्टाइज है और मुझे लगता है कि बीजेपी को जो आज ये जितनी सीटें मिल रही है, 12 मिल रही है, 15 मिल रही है, 12-15 के बीच में ऊपर से नीचे ट्रोल कर रही हैं, इसमें बड़ा योगदान दिल्ली में शाहीनबाग या उससे पहले जामिया मिलिया या JNU जो सब कुछ हुआ उससे एक वातावरण बना है और उससे केजरीवाल के काम को ओवरशेडो करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं देवेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों ने कहा जैसे जैसे आप पार्टी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है जीत का, लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है कि वहां की जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों को नकार दिया, धारा 370 को नकार दिया, तमाम तरह की बातें हो रही है, दिल्ली की जनता जो मुफ्तखोरी की बात है उसको समर्थन दिया, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, वो राष्ट्रीय मुद्दों को नकार, जैसे अनिल जी ने कहा, जब देश की सरकार, जब सांसद चुने जाते हैं तब राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है जनता। अब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने दिल्ली के मुद्दों को प्राथमिकता दी। जो ये मुफ्तखोरी का अरविंद केजरीवाल पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर बेबुनियाद है। देखिए, जनता के टैक्स का पैसा है और जनता के लिए तो दिया जा रहा है। सरकारों का काम मुनाफा कमाना थोड़ी होता है। सरकारों का काम यही है कि आप उन जनता को जिनके टैक्स का पैसा लेके आप सरकार चुनी गई है, आप उनको राहत कैसे देते हैं, उनके बारे में कैसे सोचते हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक IIT से पढ़े हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, तो वो जातिवाद और इस तरह की राजनीति का एक्सपर्ट नहीं है जिस तरह से भाजपा के लोग एक्सपर्ट हैं। वो काम की राजनीति, उनका एक विजन है, उन्होंने नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाए। देखिए, अब पॉल्यूशन पे कोई बात करने को तैयार नहीं था, अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी समस्या को अकेले वो लड़ रहे हैं, जबकि पास के राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं है, बैठकों पे आने तक को तैयार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक आगे कितनी लंबी पहल कर चुके हैं, जिसमें पता ये भी लगा कि 24% तक दिल्ली का पॉल्यूशन उन्होंने कम कर दिया। उसके पीछे मैं छोटे छोटे दो एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। एक, उन्होंने सबसे पहला काम किया 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, दिल्ली में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता भी कराई और 200 यूनिट तक फ्री बिजली भी दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसका कारण ने सीधा सीधा आरोप ये लगाया कि वहां की जनता जो है मुफ्तखोर हो गई, एक तरह जनता को टारगेट किया, यानी बीजेपी को वोट देते तो शायद वो इस तरह का बयान नहीं देते। हाँ, यही तो, अगर ये करें, अब आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए नीरज जी, वो फ्री स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, क्या वो मुफ्तखोरी की नहीं है? बट जब कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें तो विपक्ष का काम है कि उन्हें क्रिटिसाइज करना, और अरविंद केजरीवाल को तो वो खासकर टारगेट करते हैं। पहला उन्हें टारगेट करेंगे, फिर उन्हें वो काम भी नहीं करने देंगे। आपको पता है पूर्ण राज नहीं है दिल्ली, कितना परेशान किया गया, 3 साल तक तो LG चलाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ पावर मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाए। जैसे देखा होगा आपने, डोर स्टेप डिलीवरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम था, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करवाना, महिलाओं की यात्रा फ्री करना, अब उसको और एक्सटेंड करने की जो योजना चल रही है उसमें स्कूली बच्चों को अब आगे जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उनको भी फ्री यात्रा का सफर मुहैया कराया जाए। तो ये इनोवेटिव आइडिया इस वजह से आ पा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अलग सोच के व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही कहा आप दीपेंद्र जी, कहीं कहीं जो पार्टी होती है विपक्ष की पार्टी होती है उसका काम होता है सत्ताधारी दल के खिलाफ जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना, और जब दिल्ली के नतीजे आप पार्टी के पक्ष में आने लगे तो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा, दूसरी पार्टी में लोगों ने तमाम ने कहने लगे कि दिल्ली की जनता ने मुफ्तखोरी के नाम पे आप पार्टी को वोट दिया है। लेकिन यदि वही जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देती है तब वो मुफ्तखोरी के नाम पे वोट नहीं देती है, तब देशभक्त हो जाती है, राष्ट्रभक्त हो जाती है। यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करें तो वो देशद्रोही हो जाती है। तो इस तरह की बातें राजनीति में आती रहती है। दिल्ली केजरीवाल लगे रहो।